ओम शांति। आज 20 मार्च 2024 है और आज बाबा ने हमें मुरली में जो हमें गुप्त खुशी है उसका वर्णन किया है। हमें गुप्त खुशी है कि हम भगवान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। हमारा एडमिशन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है। ज़रा हम सोच के देखें कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, हमारे क्लासमेट्स कौन हैं। हमारे क्लासमेट स्वयं ब्रह्मा हैं, स्वयं सरस्वती हमारी क्लासमेट है। तो ऐसे स्टूडेंट को कितनी गुप्त खुशी और कितनी बेफिक्री होनी चाहिए। तो ऐसे ही बेफिक्र बनने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भल बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। जहां आज बाबा ने हमें मुरली के अंदर स्टूडेंट होने का नशा चढ़ाया है, तो वैसे ही आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों के अंदर दो नशे और दे रहे हैं। पहला नशा है बेगर बनने का। दुनिया में बेगर बनने का नशा किसी को होता नहीं, क्योंकि वहां बेगर बनना अप्राप्ति है, लेकिन यहाँ बेगर बनना सर्व प्राप्तियों का पहला मार्ग है। बेगर अर्थात जिसका कुछ है ही नहीं, उसे किसी बात की चिंता नहीं। जिसके पास बहुत कुछ है, उसे पहले कमाने की चिंता थी और अब उसे संभालने की चिंता है। हमारी कमाई भी गुप्त है, अविनाशी है, और हमें संभालना भी नहीं है उसको, क्योंकि हमारा सब कुछ बाबा के बैंक में हिफाजत से है। अगर हमने निमित्त समझ करके उसे रखा है तो बाबा की बैंक में है। अगर हमने उसे अपना मान लिया तो फिर हमें ही संभालना है। तो जिसने सब कुछ बाबा पे अर्पित कर दिया, अर्थात जो खुद बेगर है, उसके लिए सब कुछ भगवान ध्यान रखता है और वो स्वयं बेफिक्र बादशाह रह सकता है। और एक और नशा जो आज बाबा ने अव्यक्त इशारों में बताया, वो है राजाई का नशा। जितनी राजाई का नशा सत्युगी राजाई के हिसाब से हमें अभी है, जबकि हम वो बने नहीं हैं, तो क्या हमें जो इस समय हमें राजाई मिली है उसका नशा भी उतना है? इस समय हमारी राजाई है स्वयं के ऊपर। इस समय हम राजा हैं बाबा के सब अधिकारों के। ये राजाई सत्युगी राजाई के आगे बहुत बड़ी है। ये राजाई सत्युग में भी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे आज की दुनिया में राजाओं को इलेक्ट किया जाता है, अगर राजा अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, अर्थात जो भी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर उनको सीट से उतार भी देते हैं। तो यहाँ हमें इलेक्ट करने वाला कोई नहीं, लेकिन अगर हम इस नशे में नहीं रहते तो अपने आप ही हम इस राजाई पद से उतर जाते हैं। इसके काबिल नहीं तो यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते। और ये काबिलियत है स्मृति का खेल। जितना ज़्यादा हम इस स्मृति में रहेंगे कि मैं राज्य अधिकारी हूँ, मैं बेगर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे फिक्र करने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरी सारी जिम्मेवारी भगवान ने उठाई है, उतना ज़्यादा हमारे अंदर वो शक्तियाँ आती रहती हैं जिसके द्वारा हम राजाई कायम कर सकते हैं। ओम शांति।